bitch. This shit high, boy. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले आप लोग के फेवरेट टॉपिक के बारे में, हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक। जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले, आप लोग ने 87% लोगों ने यस किया था, तो आपका भाई ये वीडियो लेके आ चुका है। सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम इतने ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बेसिक्स हेडशॉट मारने का ट्रिक बता दूंगा। एंड अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं पार्ट टू भी लाऊंगा, जिसमें और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है मोबाइल सेटिंग्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हेडशॉट मारने के लिए आपको 60% आपके मोबाइल पे डिपेंड होना पड़ता है, आपका मोबाइल कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है। मैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाकर आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर जाकर आपको अपने फ़ोन के अबाउट फोन में जाना है, एंड वहाँ पर बिल्डर ऑप्शन में जाके आपको 5 या फिर 6 पर टैप करोगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। पहले से मैं डेवलपर हूँ, इस वजह से मुझे नहीं खुल रहा है। तो अब डेवलपर ऑप्शन होने के बाद आपको ढूंढ लेना है डेवलपर ऑप्शन कहाँ है। मेरे में तो सर्च की ऑप्शन है, तो अब मैं सर्च कर लेता हूँ डेवलपर ऑप्शन। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन सर्च होने के बाद आपको सीधा डेवलपर ऑप्शन में जाना है, एंड कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, DPI कुछ भी नहीं बढ़ाना है। सबसे पहले आपको खाली सिंपल चीज़ करना है, स्क्रोल डाउन करो। स्क्रोल डाउन करके आपको मिल जाएगा एक चीज़, विंडो एनिमेशन। विंडो एनिमेशन को आपका रहेगा जो है 1.1x रहेगा, उसको आपको 0.5x या तो आपके फ़ोन में 0.5x भी लिख के आ सकता है। बस वो करना है डेवलपर ऑप्शन में, और कुछ भी नहीं करना है। एंड दूसरी सेटिंग करनी है आपको पॉइंटर स्पीड की, तो आपको पॉइंटर स्पीड आपके फ़ोन में सर्च कर लेना है। एंड जिसके फ़ोन में नहीं है सर्च करने का ऑप्शन, वो यूट्यूब पे देख लिया, आपको बता दिया जाएगा पॉइंटर स्पीड कैसे कहाँ पर होगा आपके फ़ोन में। तो पॉइंटर स्पीड को भी आपको फुल कर देना है। बस ये आपकी नॉर्मल हो गई है फ़ोन की सेटिंग। बस अब ये फ़ोन की सेटिंग होने के बाद आपको गेम ओपन कर लेना है, एंड गेम के अंदर जो जनरल जो है वो सबको फुल रखना है। बस आपको रेड डॉट जो है उसको 48 कर देना है, 48 इज बेस्ट। और उसके बाद आपको फायर बटन पे जाना है। आपके फायर बटन का जो मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप 60 और 75 के बीच में कोई भी रख सकते हो, वो सबसे बेस्ट है, मैंने सब ट्राई कर लिया है। एंड उसके बाद आपको, अब मैं ट्रैक के ऊपर बात करता हूँ, ये सब सेटिंग होने के बाद आपको नॉर्मल ट्रैक करना है, जैसे कि सीधा अप जैसे करते हैं वैसा ही ट्रैक करना है। बट आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही बंदर एम लाल हो जाए, और आपको उसके बाद अपना जो जॉयस्टिक है उसको थोड़ा भी मूव नहीं करना है, और सिंपली आप ट्रैक कर देना है। मैं आपको स्लोमो में दिखाता हूँ कैसे ट्रैक करता हूँ मैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं एकदम स्लोमो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं फायर कर रहा हूँ अपना जॉयस्टिक जो है छोड़ देना है, एंड सीधा अप ट्रैक करना है, जैसे नॉर्मल ट्रैक करते हैं सीधा अप की तरफ वही करना है। एंड आपको जो है वो अपना जो डेजिकल है वो तुरंत स्विच कर लेना है। एंड आप जितना फास्ट अप करोगे उतना ज़्यादा हेडशॉट लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड मैं जॉयस्टिक का यूज़ करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यार जॉयस्टिक यूज़ करोगे तो आपका एम फ्लक्चुएट होता रहेगा, हिलता रहेगा इस वजह से। एंड अगर आप बिगनर हो और आपको थोड़ा भी हेड मारने नहीं आता, तो आपको जो है वो एक और ट्रिक बता रहा हूँ, आपका जो एम है वो आपको रेड, जब तक रेड नहीं होगा तब तक आपको ट्रैक नहीं करना है। बंदे पे ले जाओ, रेड करो, एंड उसके बाद ट्रैक करो। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही सीखा था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको डाउट सॉल्व करूंगा। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको क्लोज रेंज का हेडशॉट ट्रैक का ट्रिक भी बताऊंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।